हाय गुरी। हाय। अरे वाह, कॉफी तेरे लिए नहीं है, ला नोट्स दे। थैंक यू। तेरे लिए तो जान भी हाजिर है। नॉट अगेन यार। एनी हाउ थैंक्स फॉर द हेल्प एंड बाय। ओके बाय। ये आजकल के लड़के ना कितना इजीली बोल देते हैं आई लाइक यू, आई लव यू, डेट पे चले, कॉफी पीने चले। ये लो मैडम तुम्हारी कॉफी। ओह थैंक यू। यार एक बात पूछूं, ये बिना फीलिंग्स के फीलिंग कैसे आती है? यार ये क्या बोल रही है तू? ओके लेट मी एलैबोरेट। यू नो कैसे लोग होते हैं ना, कितना इजीली बोल देते हैं आई लव यू, आई लाइक यू। सो द पॉइंट इज, मुझे ये इंस्टेंट लव समझ ही नहीं आता। गॉड नोज मुझे सच्चा प्यार कब होगा। तुझे कोई ट्रू लव स्टोरी पता है क्या? एक काम कर, तू ना हीर रांझे की मूवी देख ले। नहीं यार रोशी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मूवीज, आई एम टॉकिंग अबाउट रियल लाइफ लव स्टोरीज। यार मैंने तो कभी प्यार नहीं किया। हाँ तुझे एक किस्सा जरूर सुनाना चाहूंगी। एक डॉक्टर था शैलेश। शैलेश रोज सुबह अपनी गाड़ी से क्लिनिक के लिए निकलता था और रास्ते में वो नंदिनी को खड़े हुए देखता। एक दिन हिम्मत करके उसने उससे बात की। एक्सक्यूज मी जी, आई थिंक आप लेट हो रही हैं, मैं आपको ड्रॉप कर दूं? नहीं नहीं मैं मैनेज कर लूंगी। देखिए आपका स्कूल और मेरा क्लिनिक पास ही है, हम तो पड़ोसी हैं, आप जानती होंगी मुझे। नहीं मैं बस में ही जाती हूँ। तो बस का किराया मुझे दे देना, चल पड़ो। अब नंदिनी और शैलेश एक साथ काम पे जाते और देखते ही देखते उन दोनों में नजदीकियां बढ़ने लगी। स्वीटहार्ट मेरी घड़ी लेते आना, और हाँ मेरा वॉलेट भी। थैंक यू। माँ जाने दो मुझे, ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। तू शादी क्यों नहीं कर लेता? माँ शादी के लिए कोई लड़की भी तो होनी चाहिए। जिसे रोज लिफ्ट देता है वो लड़की मुझे पसंद है। कौन सी लिफ्ट माँ, कौन सी लड़की? अच्छा अच्छा बातें मत करना, जिसे रोज लिफ्ट देता है उसको आज लेके आना लंच पे। ठीक है माँ, अब ऑफिस जाऊँ? हाँ हाँ जा, पर मैं वेट करूंगी तुम दोनों का। लंबी सांस लो। हल्का सा चेस्ट कंजेशन है, मैं मेडिसिन लिख के दे रहा हूं, ये आप ले लीजिए और एक हफ्ते बाद दिखा दीजिए। ओके सुरेश, मैं लंच के लिए घर जा रहा हूं। सुनंदनी मम्मा से मिलने के लिए रेडी? कम ऑन यार, इस ड्रेस में मिलूंगी मैं उनसे? कैसे मिलूंगी मैं? क्या हो गया यार, तुम हमेशा अच्छी लगती हो और मम्मी भी तुमसे मिलके बहुत खुश होंगी। सच्ची कह रहे हो? सच्ची कह रहा हूँ यार। पक्का अच्छी लग रही हूँ? बहुत अच्छी लग रही हो। हेलो माँ। आ गए तुम लोग? माँ ये है नंदिनी, नंदिनी ये है मेरी माँ। वेलकम। खुश रहो बेटा। चलिए आप लोग बैठिए, मैं थोड़ा सामान रख के आता हूँ। कैसी हो तुम? जी आंटी। बेटा शैलेश तुम्हें अपने मन की बात बिल्कुल नहीं बताएगा, लेकिन मैं उसके मन की बात जानती हूँ, वो तुम्हें बहुत पसंद करता है। क्या माँ तुम भी, क्यों तंग कर रही हो उसे? क्यों? बहुत प्यारी है नंदिनी। बेटा मुझे पता चला है कि तुम अकेली रहती हो यहाँ पर, खुद को तुमने एस्टैब्लिश किया है, तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो, तो शादी क्यों नहीं कर लेते? मुझे तो नंदिनी बहुत पसंद है। मुझे भी। गुड। तो
क्या हुआ? फिर क्या यार, नंदिनी ने शादी के लिए हाँ कर दी और माँ ने उन दोनों की शादी करवा दी। क्या, और तू इतना कैजुअली बता रही है, आगे क्या हुआ? नंदिनी अब उस घर का अहम हिस्सा बन चुकी थी। शैलेश और शैलेश की माँ दोनों नंदिनी से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि नंदिनी ने अपनी स्कूल की जॉब छोड़ दी थी। सो गए तुम? उठो। तुम कहाँ थी? थोड़ा लेट हो गई, सॉरी। कोई बात नहीं, कम। एक दिन शैलेश ने कुछ ऐसा नोटिस किया कि वो परेशान हो गया और उस दिन से वो नंदिनी का और ज्यादा ख्याल रखने लगा। कितनी बार समझाया है, भार मत उठाओ यार, आराम से बैठो, हम लोग कर लेंगे काम। I'm fine, sir. ठीक हो? Yes, I'm fine. It's okay. मम्मा आप तो ध्यान दिया करो, हम कर लेंगे यार काम। It's okay ना, मैं बोर हो जाती हूँ, मम्मा भी कोई काम नहीं करने देते, आप भी नहीं करने देते। अरे तो कर लेना काम, पूरी उम्र पड़ी है काम करने के लिए, अभी रिलैक्स करो। दोनों की जिंदगी बहुत ही खुशहाल चल रही थी और किसी भी वक्त नंदिनी माँ बन सकती थी, पर शैलेश को एक अजीब सी ही चिंता सताई जा रही थी। शैलेश ने उसकी बॉडी पर जो निशान देखे थे, कहीं ना कहीं वो उसे खटक रहे थे और उसने नंदिनी के टेस्ट करवाने के लिए भेजे। जिस दिन रिपोर्ट आनी थी उस दिन शैलेश बहुत टेंशन में था। जो बॉम्बे से रिपोर्ट आनी थी उनमें क्या आया? रिपोर्ट्स में स्किन कैंसर डिटेक्ट हुआ था। उस एक्सीडेंट में शैलेश की आंखें चली गई थी। शैलेश, पानी। नंदिनी शैलेश से प्यार तो उतना ही करती थी, पर अब उससे दूरियां बढ़ाने लगी थी। बेटा, नंदिनी की तबीयत बहुत खराब है। माँ, आप किरण को फोन मिलाइए, किरण को फोन मिलाइए। हाँ, माँ मिला? मिला। हेलो, हेलो, हाँ डॉक्टर किरण। हाँ जी, वो नंदिनी को शायद लेबर पेन स्टार्ट हो गया जी। बाहर मौसम बहुत खराब है, मैं इस वक्त मैं उसे वहां भी नहीं ले जा सकता। आप प्लीज आ जाइए जी। शैलेश नंदिनी कहाँ है? माँ के साथ रूम में। डॉक्टर किरण, नंदिनी, नंदिनी ठीक तो है ना? डॉक्टर किरण, शैलेश कॉम्प्लिकेशंस बहुत बढ़ चुकी हैं, हॉस्पिटल जाते जाते बहुत देर हो जाएगी, हमें फॉरन डिलीवरी करनी है। पर तुम फिक्र मत करो, आई ट्राई माय बेस्ट। ठीक है, आपको जो ठीक लगे वो कीजिए। नंदिनी ने एक बहुत ही सुंदर बच्ची को जन्म दिया, पर अफसोस नंदिनी खुद नहीं बची। शैलेश, अभी तक तो तुझे नंदिनी
संभाल लेती थी, अब तुझे खुद संभालना होगा बेटा। माँ, मेरा बच्चा। माँ, ये नंदिनी जैसी नहीं लगती। क्या कह रहा है? लो माँ। नंदिनी, मैं तो कभी अंधा था ही नहीं। मैं तो अंधा इसलिए बना ताकि तुम्हें तुम्हारी बीमारी का एहसास ना हो। मैंने हमेशा तुम्हारी रूह से प्यार किया है नंदिनी, कभी जिस्म से प्यार नहीं किया। पर मुझे ये नहीं पता था कि तुम इतनी जल्दी मुझे छोड़कर चली जाओगी। नंदिनी, नंदिनी। माँ, नंदिनी हमें छोड़ के चली गई माँ। आओ लो लो लो। माँ देखो कितनी प्यारी लग रही है। हाँ बहुत प्यारी है। तो क्या होगा बेटा रोशी का? नंदिनी के जाने के बाद तो मुझे अपनी उम्र का भी कोई भरोसा नहीं। तूने क्या सोचा? माँ, नंदिनी की जगह कोई नहीं ले सकता। और जहां तक रोशी की देखभाल का सवाल है, रोशी जब तक स्कूल नहीं जाती तब तक हम उसकी देखभाल करेंगे। उसके बाद वो बोर्डिंग स्कूल में पढ़ेगी। मेरा बच्चा। जब वो बच्ची बोर्डिंग स्कूल में पढ़ती थी तो उसके पापा उससे मिलने जरूर आया करते थे, लेकिन अब वो लड़की कॉलेज में पढ़ती है। उसके पापा 3 साल से उसे मिलने नहीं आए। पापा। हेलो मेरा बच्चा। आई मिस्ड यू बच्चे। पापा 3 साल हो गए, आपको मेरी याद नहीं आई। बेटा क्यों नहीं याद आई? बहुत याद आई। आपको याद आती तो आप मुझसे मिलने आ जाती। बेटा तुम जानती तो हो, 3 साल अमेरिका में हॉस्पिटल सेटअप करने में लग गए, अपने आप को टाइम नहीं दे पाया, तुम्हें कैसे दे पाता। पर हाँ, अब आ गया हूँ तो अब साथ ही अमेरिका चलेंगे। कल तुम्हारे एग्जाम के बाद सीधा अमेरिका। और हाँ, दादी तुम्हारा बहुत इंतजार कर रही है। सच्ची? आई लव यू पापा। लव यू टू बेटा। आओ पापा, अपनी रूममेट से मिलाती हूँ। पापा, यह है ज्योतिका, मेरी रूममेट। गॉड ब्लेस यू। और ज्योतिका।